हाय फ्रेंड्स, आई एम रीना गुप्ता फ्रॉम बेटजिला फैशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बहुत अच्छा चटपटा सा प्रोग्राम बातों बातों में, रीना गुप्ता शो। इसके अंदर हम काफ़ी अपकमिंग मॉडल्स, डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट और बहुत सारी अच्छी बड़ी पर्सनैलिटीज से मिलेंगे इस शो में। उनसे रूबरू होंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, क्या उनकी सक्सेस है, उनके बचपन के बारे में, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो आज हम लोग इन्वाइट करने वाले हैं हमारे एक अपकमिंग मॉडल हैं, बहुत हॉट हैं, बहुत स्वीट हैं, और जिनका नाम है अनन्या। चलिए बैठते हैं, बात करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आज मिलवाने वाले हैं अनन्या भाटिया से, जो कि अपकमिंग मॉडल हैं, बट अभी तक थोड़ा बहुत काम किया है इन्होंने, और जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। इनके पास टाइटल भी है मिस आइकॉनिक का, और ये अभी पढ़ ही रही हैं, स्टडी कर रही हैं साथ में। तो ये कह सकते हैं इनका पैशन है या इनका ये है, वो बात ही हम इन्हीं से पूछते हैं। तो उन्होंने कैसे आप आए इस लाइन में? मेरे को बचपन से सब बोलते थे फैमिली वाले कि मॉडलिंग करो, बट मैंने कभी किसी की एज सच सुनी नहीं कि हाँ मॉडलिंग करो। बट 11th क्लास में मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है, सो मैंने स्टार्ट किया। एंड अपॉर्चुनिटी भी आई तो मॉम डैड ने बोला कि करो, सो मीन्स आपकी फैमिली सपोर्टिव है या इस चीज़ को? यस, क्योंकि आजकल जैसे कई बार होता है कि गर्ल्स ही सपोर्ट नहीं करती है, आपको फुल सपोर्ट है फुल सबसे, कोई ऐसा काम। तो अनन्या, जैसे कि आप इस लाइन में आ गए, इजीली आ भी गए हो, लेकिन होता है ना कि एक इंसान का गोल होता है, एक होता है कि हम बहते जा रहे हैं, ठीक है जो भी मिलेगा कर लेंगे, बाकी आपका अगर खुद का गोल है कुछ, आपने कुछ सोचा है आगे क्या करना है? मैंने सोचा है मेरे को लाइफ में फैशन वीक में वॉक करना है, मेरा हमेशा से ये ड्रीम है। ये हर मॉडल का मेरा ड्रीम है फैशन वॉक का। और तो उसके लिए क्या क्या तैयारी स्टार्ट की आपने? मैंने अपनी परफॉर्म प्रैक्टिस करती हूँ, एंड मैं छोटे छोटे मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है मैं हमेशा उसको ग्रैब करती हूँ, मैं कभी कुछ भी मिस नहीं करती। सो छोटे छोटे शूट्स वगैरह से आई गेस मैं अभी 16 की हूँ बस, एंड इस साल में 17 की हूँ। 16, सो आई गेस जब तक मैं 18 की होंगी तब तक मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मैं यंग अपकमिंग मॉडल हूँ। तो किस तरीके से आप इस मॉडलिंग जो इंडस्ट्री है उसको, अभी तो खैर आपने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, फिर भी जितना एक्सपीरियंस किया है तो कैसा लगता है आपको मॉडलिंग का? मतलब एक होता है ना कि एक गोल्डन वर्ड है, बहुत सारा आप दूर से जब हम इस इंडस्ट्री को देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है बहुत, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कैसा लगा? रियल लाइफ में आई गेस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल है, कॉम्पिटिशन बहुत है यहाँ पे, लाइक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं। बट वैसे अगर तुम डाउन टू अर्थ रहोगे एंड लाइक सबसे अच्छे से बात करोगे तो इट इज नाइस। ओके, और आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में कोई ऐसा सच मॉडलिंग बैकग्राउंड नहीं है, एंड मेरे फैमिली में वैसे मम्मी पापा दादी एंड मेरी बहन सिस्टर। या आप कितने सिस्टर्स हो? मेरी एक रियल सिस्टर है एंड मेरी एक कजन है। ओके, तो कैसा आपका बॉन्डिंग कैसा है अपनी सिस्टर्स के साथ? बहुत क्लोज हूँ मैं दोनों से, बहुत क्लोज हूँ, एंड आई कांट इमेजिन माय लाइफ विदाउट देम। ठीक है, आपको हम एक सरप्राइज देते हैं, आपको अच्छा लगेगा देखकर, तो हम आपको अभी किसी से मिल पाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अनन्या को एक सरप्राइज देने वाले हैं, उसने अभी बताया कि उसकी लाइफ वो नहीं सो सकती अपनी कज़न के साथ, अपने सिस्टर के साथ, ऐसा नहीं लगता है कि उसको उन्हीं के साथ उसकी लाइफ है, तो हमने सोचा कि ना उनको भी बुला लिया जाए। तो हम वेलकम कर रहे हैं उनकी सिस्टर का, उनकी कज़न का। तो अनन्या, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। तो आप अनन्या की सिस्टर हैं, आप कजन हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कुछ? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, करेंटली ऑन गोइंग टू माय थर्ड ईयर, एंड मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, बट कहीं से हमारी हाइट से ऐसा लगता नहीं है कि आई एम हर बिग सिस्टर। ओके, एंड यू? हाय, आई एम कांशा भाटिया, मैं अनन्या की कजन हूँ, मैं इससे 2 ईयर एल्डर हूँ, एंड मैं फर्स्ट ईयर में हूँ एंड आई एम डूइंग होटल मैनेजमेंट। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आपको एज अ मॉडल देखना? आपने सोचा था कभी कि आप है ना ऐसे शो में आएंगे? नहीं, कैसा? आप
आपके काफी बचपन आप लोगों ने साथ ही गुजारा होगा, तो कुछ बचपन में कैसी थी? अभी से तो बताया कि बहुत चुलबुली सी भी थी और भोली वाली नहीं थी, तो कैसी थी? ये हमारे घर में सबसे शरारती बच्चा थी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था एंड ये हमेशा मतलब ऐसे होती थी कि अगर किसी ने मुझे तंग कर दिया या इसको तंग कर दिया तो ये हमारे बिल्कुल आगे खड़ी होती थी उसको लिटरली काट खाने के लिए कि भाई तुमने मेरी बहनों को तंग कैसे किया। जैसे भाई होता है बिल्कुल भाई की तरह हमें सपोर्ट करती थी और प्रोटेक्ट करती थी कि कैसे मारा अनन्या भाई। इसमें बचपन से थोड़ा सा टॉमबॉयश वाला वो था, बट शी यूज्ड टू ड्रेस अप बिल्कुल लड़कियों की तरह और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ड्रेस परफेक्ट एंड ऑल, बट जहाँ पे लड़ाई है तो उनकी बात आती थी वहाँ पे लड़की को वहीं से। तो अच्छा अनन्या को आपने फर्स्ट टाइम जब जैसे आपने आप लोगों ने भी एनकरेज किया होगा कि आपको कैसे लगा कि इसके अंदर कुछ एक होता है ना कि मॉडल वाला कुछ इसके अंदर है, कुछ चंक है, कुछ स्पार्क है, तो आप लोगों ने पहले पता किया या आपके घर वालों ने और किसी ने या फ्रेंड सर्कल ने पहले इसको ऑब्जर्व किया? बचपन से ही ये मतलब ऐसे हमेशा से रही है कि इसको शी हैड टू हैव द परफेक्ट ड्रेस, इसके बाल परफेक्ट होने चाहिए, सैंडल्स मैचिंग और मतलब हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो और स्टाइल हमारे घर में किसी ने आज तक इतना स्टाइल नहीं मारा है जितना स्टाइल इसने मारा है। तो फोटोज क्लिक होती थी बचपन में तो परफेक्ट पोजेस मारना, जो पोजेस कभी सोच भी नहीं थे वो बचपन में ये मारती थी परफेक्ट ड्रेस। तो समवेयर आई गेस हम घर में सबको पता ही था कि हाँ शी हैज दैट मॉडलिंग स्ट्रीक इन हर। तो अनन्या के बारे में आप कुछ ऐसा मेमोरेबल बताइए हमें जो हमें भी याद रहे हमेशा कि हाँ अनन्या कितनी चुलबुली थी, तो बताएं कुछ। मैं बताती हूं, बार हम लोग ट्रिप पे गए थे ऑन हरिद्वार एंड वो आई गेस सबसे बहुत मेमोरेबल था। अरे नहीं वो मत बताओ। नहीं नहीं हम बताएंगे उस ट्रिप में। उस ट्रिप में हां जी उस ट्रिप में हम हमारा एक फर्स्ट टाइम एक अच्छा फैमिली ट्रिप था, तो हम हरिद्वार गए थे, वहाँ पे हम गंगा में थे एंड वहाँ से हम बाहर ही निकलते थे, हमें इतना बुलाते थे कि बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, बट नहीं मैं और अनन्या हम वो सब पहला ट्रिप है ऐसा जो हम लोग साथ में गए थे लाइक हमारी फैमिली और बहुत मजा आए थे, हम सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। स्पेशली ये दोनों बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे उठ के ऐसे होते थे कि सब कुछ छोड़ दो, हमें सबसे पहले वहाँ पे छोड़ा वहाँ कि हम अपना कंटिन्यू करेंगे, बाकी जिसको जो करना है वो करे। तो तब ये कितने टाइम पहले की बात है, मतलब कितने छोटे थे आप लोग? मैं 6th class में थी, अनुष्का 7th में। मतलब बचपन से कहते हैं ना हो चीखने बाद, वो कहते हैं होनहार भी बन के हो चीखने बाद, तो वही था सब। तो अनन्या के बारे में हमने सुना है कुछ आप लोग ट्रिप पे गए थे किसी शिमला कुछ हम लोग एक बार शिमला ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे हम नारकंडा गए थे एंड वहाँ पे एक मतलब सेटिंग थोड़ा बननी थी जहाँ पे बर्फ थी एंड बर्फ के बाद थोड़ा प्लेन ग्राउंड एंड देयर वाज अ फेंस कि कोई बिना एंट्री के घुस नहीं सकता। तो मेरी बहुत मुझे बर्फ बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बिल्कुल ऐसे थी हम दोनों पूरा पहाड़ के ऊपर ऊपर चढ़ बढ़ के पूरा बर्फ ये तो पहाड़ी थे और इसका हो गया था कि बस अब मुझे नहीं करना। तो ये जो थी ये नीचे आ गई ग्राउंड पर और ग्राउंड पे बैठ के इसने अपना एक शू निकाला उसमें से सारी बर्फ निकाली फिर उसके बाद सॉक्स उतार के उसको गोल गोल घुमा के कपड़ों की तरह फेंस पे सुखा दिया। जैसे ये लोग आते थे ना मेरा पूरा मूड सैड हो जाता था कि तुम क्यों आ गए मेरे फोटो खराब कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, मतलब अनन्या को तो जितना अच्छा लगा ही होगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इवन मेरी भी कुछ बचपन की यादें ताजा हो गई, लेकिन मतलब बहुत एंजॉय किया आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शो। तो जैसे कि अभी हम लोग है ना अनन्या की सिस्टर से मिले, उसकी कजन से मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने। तो अनन्या के लिए सरप्राइजेस की कमी नहीं है, एक और सरप्राइज है अनन्या के लिए जो कि उसके और जो बचपन के राज हैं वो थोड़े से खुलेंगे, कुछ उसकी चटपटी बातें समझ में आएंगी दिखेगी। और वो जो होती है मदर, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की छोटे बचपन छोटी छोटी बातें उसे पता होती हैं। तो वेलकम मिसेस दीप्ति। तो अनन्या कैसा लगा आपको ये और सरप्राइज? अच्छा लगा, मेरे को आपके सरप्राइजेस बहुत पसंद आए।
तो आप लोग नेचुरल मदर और जो डॉटर होती है उसका एक बॉन्डिंग होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है. तो अनन्या जैसे आपको प्राउड फील होता होगा कि आपकी बेटी इतनी, एक तो सबसे बड़ा था इसकी हाइट बहुत अच्छी है, तो ये पेरेंट्स की देन है, दिख रहा है. तो इसमें आप बताएं कि छोटे होते खाने पीने को लेकर किस तरीके से, मतलब क्या अच्छे से आराम से खा पी लेती थी, क्या करती थी? ये जब छोटी थी तब तो आराम से खा लेती थी, क्योंकि इसको वो चिड़िया दिखा के ये सब करके खिलाना बहुत आसान होता था. बट जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, इसको खिलाना सबसे बड़ा टास्क होता था. तो अलग अलग कलर की हमें पूड़ियाँ या कुछ कुछ बनाना पड़ता था, इसको अट्रैक्ट करना पड़ता था खाने के लिए, फिर ये खाती थी. ओके, तो शुरू से चूजी रही है. बहुत चूजी, बहुत चूजी, और शुरू से आज तक चूजी है. ओके, लाइक्स ओनली डोमिनोज का पिज्जा सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आप रात को 12 बजे 2 बजे जब आप कहोगे खाने के लिए रेडी, उसके अलावा कुछ नहीं. लेकिन अनन्या जिस इंडस्ट्री में तुम आई हो आ रही हो, लेकिन इसके लिए इतना कई बार क्या होता है कि हम लोग शूट्स करते हैं ऐसी ऐसी जगह पे शूट करना पड़ता है जहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत रेयर चीजें मिलती है ना, जो मिल गया वो खाना पड़ता है. तो ऐसे में तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी. मम्मा के साथ जाएंगी नहीं जब मना कर दे रहे, तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा ये सब चीजें. और इसकी बचपन की कोई मेमोरेबल बात हो? ये छोटी थी तो बहुत प्यारी सी थी. एक मुझे याद आ रहा है, बड़े भैया मेरे जेठी राजू भैया, तो इसका सेकंड बर्थडे था. तो ऐसे ही उन्होंने कहीं किसी किताब में पढ़ लिया था कि सेकंड बर्थडे पे बच्चे की जितनी हाइट होती है तो बड़ा हो के बच्चा जो है एग्जैक्टली उसका डबल निकलता है. तो वी वर लाइक कि अब इसकी हाइट तो नापनी है, और सेकंड बर्थडे वाले दिन हमने इसकी हाइट नापी तो ये 3 फुट से जरा सा कम थी, ऑलमोस्ट टचिंग 3 फीट. तो वी ऑल वर सरप्राइज यार कि बड़े हो के 6 फुट की थी और सब के लिए बस लाइक यार ये क्या है. तो अभी भी कैसे मिले कि अब अपने दादू के साथ बहुत अटैच थी. जनरली ये बच्चे शाम को जब खेलते थे तो दादू से कहते थे, दादू अब हमें पैसे दो, हमें ना अपने चिप्स लेकर आ रही है. तो दादू वाज लाइक कि अच्छा चिप्स ला रहे हो, हाँ हाँ लो. तो दादू तो सबसे ज्यादा लाडले होते हैं पोते पोतियाँ दादू के लिए. तो दादू क्या करते थे, इनको पैसे देते थे और साथ में ना एक्स्ट्रा पैसे देते थे. तो बहुत सारी यादें हैं, दादू के ऊपर चढ़ के ये उनकी पोलियां बनाते थे, दादू इनको कुछ नहीं कहते थे, दादू और दादी की जान होते थे ये सारे. आजकल के बच्चे तो जो रहती हैं इंडिपेंडेंट सी फैमिलीज रहने लगी आजकल अकेले, तो ये सब चीजें तो उनके लिए तो एक सपना ही है. बिल्कुल नेचुरल है, जो चीजें इन्होंने देखी है शायद इनके आगे नेक्स्ट जनरेशन वो चीज देखती है या नहीं देखती. बट हम लोगों के हिसाब से हम कहते हैं कि जितने भी ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं वो ज्यादा एंजॉय करती हैं, वो ज्यादा मजे से रहती हैं. और कुछ ऐसा जो आप इसके बारे में या इसने जो ये कैरियर चुना है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं अच्छा है, हम बिलीव करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों और इनफैक्ट घर में सब हम लोग यही बिलीव करते हैं कि बच्चों का जहाँ पे पैशन है, जो करने का मन है वो करें, उन्हें लाइफ में आगे जाके रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि यार हम नहीं कर पाए, हमें शायद मौका मिलता तो हम बहुत अच्छा कर पाते. तो हम हमेशा कहते हैं कि तुम अपनी वैल्यूज के ऊपर ध्यान दो, भटकना नहीं है, बट हाँ आपको जो लाइफ में करना है आप कर सकते हो, पूरी इजाजत. अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी बेटी का बचपन रहा, एक आपका बचपन रहा होगा, तो मतलब जैसे आपके आपके जो विचार हैं, क्या आपके पेरेंट्स के भी वैसे ही विचार हुआ करते थे, या उस टाइम में आपको लगता था तभी आप अब इसको इतना वो दे रहे हैं कि होता ना कि बेटा जो करना है कर ले, आपके साथ ऐसा हुआ हो? क्योंकि जनरली ऐसा होता है. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो. ऑब्वियसली हम भी जब छोटे थे तो पहले जमाने में इतना खुले विचारों के नहीं होते थे पेरेंट्स, तो हमारे को मम्मी डैडी जो कहते थे हम वही करते थे. बट हाँ कभी उन्होंने किसी चीज के लिए मना नहीं किया, बट हाँ हर चीज हर दायरा देख के चलना पड़ता था, मर्यादा को रखते. बिल्कुल, तो एक ये जरूर था मन में कि हाँ बच्चे जब आगे करेंगे तो हमें ये पता था कि इनको नहीं रोकना, इनको जहाँ जाना चाहते हैं जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं.
तो आपकी ये जो मैरिज थी वो मतलब अरेंज मैरिज थी? बिल्कुल अरेंज थी। आपके हस्बैंड मतलब कैसे वो उनका क्या व्यूज है इसके लिए? वो बहुत सुलझे हुए इंसान थे एंड ही ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग कि मेरा एक तरफ से वो था कि मॉडलिंग में जा रही है, पता नहीं वहाँ पे कैसे लोग होंगे, कैसा होगा, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव थे, मतलब नॉट वेरी ओपन, सब चीजें वो नहीं होती थी, थोड़ा सा रहता था, बंदिश रहती थी। बट इसके पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे शुरू से, बिकॉज वो फॉरन भी रह के आए हुए और खुले विचारों के हैं सब, तो दे आर लाइक कि नहीं बच्चा जो करना चाहता है करो। तो ही कन्विंस मी, मैं जो थोड़ा बहुत डाउट चल रहे थे, माँ डरती ही है चाहे बच्चा थोड़ा सा भी बाहर जाए, इवन फॉरेन भी अगर जाने का बच्चे को होगा तो माँ को ही डर लगेगा, बाप का फादर का होता है कि नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ। तो अनन्या हमें बहुत अच्छा लगा आपकी मदर से मिलके, आपके चटपटे किस्से सुनकर, बहुत नॉटी रहे हो तो दीप्ति जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अनन्या कैसा लगा आपको हमारे साथ? अच्छा लगा, सब बढ़िया। अच्छा बस अब एक क्लास में पूछना चाहूंगी कि आपने जब एंट्री किया इस इंडस्ट्री में किस तरीके से, आपकी फर्स्ट एंट्री कैसे? मेरी फर्स्ट एंट्री में एक ज्वेलरी शूट था एंड उसके दो दिन बाद ही मेरा एक ब्यूटी पेजेंट में मैंने पार्ट लिया था जो मैं जीती थी, सो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। क्या था कुछ शेयर करेंगे आप? या मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत नर्वस थी बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम है तो डर लग रहा था, बट जब वहाँ पे उन्होंने जैसे गाइड किया था एंड जो भी हुआ था वो बहुत स्मूथली हुआ था एंड नेक्स्ट डे लाइक दो दिन का था वो, पहले में ग्रूमिंग थी एंड सेकेंड में पूरा कॉम्पिटिशन था, तो सेकेंड डे में मेरे को अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा था एंड मैं बहुत लाइक कॉन्फिडेंट हो गई थी। कहाँ पर था ये? नोएडा। नोएडा तो किस मतलब किसी कंपनी के थ्रू था या स्कूल के थ्रू? आइकॉनिक फैशन ग्रुप के थ्रू था। तो आपने विन किया था तो कैसा लगा, आपके पेरेंट्स को क्या फील हुआ उस टाइम? बहुत प्राउड फील हो रहा था, लाइक मेरे को खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था एंड जाते ही वहाँ पे मैंने विन कर लिया, दादी भी थी वहाँ पे, मेरे दोस्त भी आ गए थे स्कूल से। तो आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट जो भी अभी तक ली है उसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे, लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनका सपोर्ट हो गया? उनके सपोर्ट को मैं अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के, सबके सपोर्ट को देना चाहूंगी बिकॉज वहाँ पे भी काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके वो लोग आए थे, बट मेरे साथ ये था कि मेरी फैमिली वहाँ पे मेरे को सपोर्ट करती थी इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मी। तो अनन्या आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कजन, आपके सिस्टर, नहीं तो क्या होता है कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते तो बच्चा आगे कभी भी नहीं बढ़ता। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल का खैर टाइम भी ऐसा है कि आजकल पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए हैट्स ऑफ, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, आपने भी बहुत मेहनत की है आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी अगर आप अनन्या से कुछ भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी कोई भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स में इनके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उनके आंसर्स आपको इंस्टाग्राम पेज पे हमारे मिल जाएंगे। एंड बाकी इनका हम लोग मतलब जो भी, लेकिन आप देख कर सोच समझ कर वैसे ही क्वेश्चन कीजिए जिनका आंसर हम लोग आराम से आपको दे सकें इंस्टाग्राम। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जिससे कि आगे के अपडेट्स आपको मिलते हैं। Thank you.